प्लास्टिक बोतल कैप काइट। हर रोज की तरह आज भी रहील मुंह लटकाए घर आया। रहील को ऐसे देखकर उसका भाई असलम बोला, अरे छोटे, आज फिर किसी से लड़कर आए हो तुम? लड़ना क्या है भाई, आज सब क्लास के बच्चे सरदार के घर जा रहे हैं। उनके बेटे ने घर पे दावत रखी है सबकी। तो इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है, तुम भी चले जाओ। मुझे बुलाया ही नहीं किसी ने, क्योंकि उस दावत से पहले सब अपनी अपनी पतंगें उड़ाएंगे और आपको तो पता है मेरे पास पतंग ही नहीं है। ये कहते ही वो मायूस होकर एक तरफ बैठ गया। अरे छोटे, मुंह ना लटकाओ, आओ मैं तुम्हें पतंग ले देता हूँ, फिर तुम भी चले जाना पतंग उड़ाने। ये सुनकर रहील बहुत खुश हुआ। यहू, यस। और खुशी खुशी भाई के साथ पतंग वाले स्टॉल पे पहुँचा। कमाल चाचा, बड़ी प्यारी प्यारी पतंगे हैं तुम्हारे पास। अच्छा बताओ कितने की है वो वाली पतंग? ये वाली, ये तो पूरे 20 रुपए की है। क्या कहा, 20 रुपए? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। अच्छा ऐसा करो, कोई सस्ती सी पतंग दिखा दो। चलो ये तुम 15 रुपए वाली ले लो। क्या 15 रुपए? ना आपकी ना मेरी, 5 रुपए की देनी है तो बताओ। क्या बात करते हो तुम कोचा, लेना है तो लो, वरना मेरा खोपड़ी सुबह सुबह खराब मत करो। असलम ने बहुत कोशिश की मगर बात ना बनी। फिर वो दोनों मायूस होकर चुपचाप घर वापस आ गए। रहील सेहन में बैठा आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देखने लगा। इतने में रहील का बाप रहील से बोला, अरे बेटा जरा बाजार से बोतलें तो ले आ। रहील पैसे लेकर जब दुकान पे पहुंचा तो उसकी नजर वहां पर पड़े ढेर सारे बोतल के ढक्कनों पर पड़ी, जिसको देखकर उसके जहन में एक आइडिया आया। अंकल अंकल, ये कैप्स मैं रख लूं? हाँ पुत्र रख ले, मेरे किसी काम की नहीं है ये। रहील सारे ढक्कन लिए घर पहुंचा और सीधा छत पे आकर घर में पड़ी चीजों से काइट बनाने लगा। देखते ही देखते उसने प्यारी सी काइट बनाई और खुशी से नाचने लगा। तारारम पम तारारम पम, तारारम पम तारारम पम, यस। इस काइट को जब असलम ने देखा तो बोला, अरे वाह छोटे, ये काइट कहाँ से लाए? भाई मैंने खुद बनाई है, अच्छी है ना? अरे अच्छी क्या, बहुत अच्छी है, आओ अब इसको उड़ा कर देखते हैं। फिर दोनों मजे से उस काइट को उड़ाने लगे। दूसरी तरफ जब सरदार की छत पे मौजूद बच्चे अपनी अपनी पतंगे उड़ाने में मसरूफ थे, सरदार का बेटा, देखना आज तो बस मैं ही जीतूंगा। इतने में उसकी पतंग कट गई। अरे अरे ये क्या, ये कैसे कट गई? और ये इतनी खूबसूरत पतंग है आखिर किसकी? देखा तो रहील वो पतंग उड़ा रहा था। उसकी पतंग देखकर सब बच्चे उसके घर आ गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपने घर नहीं बुलाया, तुम्हारी पतंग तो बहुत प्यारी है, कहाँ से ली है तुमने? ये पतंग मैंने खुद बनाई है, मेरे पास और भी बहुत सारे कैप्स हैं, आओ हम सब मिलकर और पतंगें बनाते हैं। फिर क्या था, रहील की हाजिर दिमागी की वजह से अब गांव के सभी बच्चे बिना पैसे खर्च किए फालतू चीजों से अपनी काइट्स खुद बनाते और मजे से उड़ाते। ये हुई ना बात। अरे सुन लो गांव वालों, मेरे भाई से अच्छा पेचा कोई नहीं लगा सकता। अरे देखो तो सही, कैसे मेंढक की तरह उछल रहे हैं वो दोनों। छोटे सरकार, हुक्म दे तो अभी इनके पर काट देता हूँ। आखिर ये कर क्या रहे हैं? मेरी कोई भी पतंग इनकी पतंग के सामने नहीं टिक पा रही। इलेक्ट्रिक काइट। साहिल और किरण बैलगाड़ी पर बैठे अपने गांव की तरफ जा रहे थे कि आवाज आई, बचाओ बचाओ, कोई है जो मुझे उतारे यहाँ से? साहिल भाई, ये आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं कौन है, आवाज तो मुझे भी आ रही है पर सामने कुछ नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ ऊपर। क्या ये काइट से आवाज आई है किरण? हाँ हाँ ये मैं ही हूँ। साहिल भाई मुझे तो डर लग रहा है, चलो घर चलें, बाबा वेट कर रहे होंगे। प्लीज मुझे छोड़कर ना जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी।
तुम भला हमारे किस काम आओगी? मुझे तो काइट भी उड़ानी नहीं आती, एक ही पेचे में कट जाओगी। नहीं नहीं, मैं नहीं कटूंगी। मैं कोई आम काइट नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रिक काइट हूँ। क्या कहा, इलेक्ट्रिक काइट? हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक काइट। और मेरे साथ जिस भी पतंग का पेचा लगेगा वो एक सेकंड में कट जाएगी। तो मुझे प्लीज अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर साहिल ने किरण की तरफ देखा और फिर खंबे पर चढ़कर काइट को उतारने लगा। थोड़ी ही देर में साहिल ने पतंग उतारी और बैलगाड़ी पर बैठकर अपने घर आ पहुंचा। अरे बच्चों, इतनी देर कहाँ लगा दी थी? तो किरण और साहिल ने सारी कहानी बाबा को सुना डाली। अगर ये वाकई ही इलेक्ट्रिक काइट है तो फिर तुम इसकी मदद से बहुत सारे कंपटीशन जीत सकते हो साहिल बेटा। हाँ बाबा, इस तरह बहुत सारे कंपटीशन जीत कर हम बहुत सारे पैसे भी कमा लेंगे। यहू, फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ, हम बहुत अमीर हो जाएंगे किरण बिटिया। कुछ दिन बाद गांव में काइट कंपटीशन हुआ तो दुनियापुर वालों के साथ साथ दूसरे गांव वालों ने भी हिस्सा लिया। साहिल और किरण भी अपने बाबा के साथ वहां आ पहुंचे। हजरत, आज के इस मुकाबले में जीतने वाले को 10 लाख का चेक दिया जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ तो आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। देखते ही देखते साहिल की पतंग भी आसमान पे दूर नजर आने लगी। कुछ ही देर में ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि साहिल की पतंग सभी पतंगों को बो काटा करती जा रही थी। ये साहिल आखिर कर क्या रहा है? पता नहीं छोटे सरकार क्या कर रहा है, इसकी पतंग किसी को टिकने ही नहीं दे रही। देखते ही देखते सिर्फ साहिल की काइट आसमान पर रह गई, जिसे देखकर गांव के सरदार ने साहिल को शाबाश दी और 10 लाख का चेक भी दिया। अगले ही दिन जब साहिल और किरण गांव के बाहर पानी के तालाब के पास बैठे थे तो सफदर अपने नौकर के साथ वहां आ निकला। और भाई साहिल, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी पतंग ने सारे गाँव में धूम मचाई हुई है। अरे क्यों ना मचे धूम, मेरे भाई से अच्छा पेचे लगाने वाला पूरे गांव में नहीं है। तू चुप कर चुटकी, ज्यादा उछलेगी तो पतंग के साथ तुझे भी उठा कर ले जाऊंगा। अपने नौकर को लगाम डालो सफदर, नहीं तो इसके दांत तोड़ने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। बहुत उछल रहा है, आखिर तेरी पतंग में ऐसा है क्या जो सबको धूल चटा रही है? मेरे भाई की पतंग एक जादुई पतंग है, समझे? क्या कहा, जादुई पतंग? पगला गई हो क्या? अगर वो सच में ही जादुई पतंग हुई सरकार। देखो साहिल, मुझे तुम्हारी ये पतंग खरीदनी है, मुंह मांगी कीमत दूंगा, शराफत से मुझे अपनी पतंग बेच दे। मुझे नहीं बेचनी अपनी पतंग, तुम जाकर बाजार से ले लो। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी रात जब साहिल के घर सब सो गए तो सफदर अपने नौकर के साथ वहां आ पहुंचा। जैसे ही उन दोनों ने साहिल की काइट को हाथ में पकड़ा तो एक जोरदार झटका लगा। शोर की आवाज से सभी घर वाले वहां जमा हो गए और मिलकर दोनों की खूब धुलाई की।